अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज फिर हम हाजिर हैं एक और लेक्चर के साथ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रीफिक्सेस। चौथा टॉपिक है पहले यूनिट का। प्रीफिक्सेस क्या हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के हम हायर चैप्टर्स के अंदर या हायर स्टडीज़ के अंदर, फर्स्ट ईयर FSC के अंदर भी हमारा इससे वास्ता रहेगा, और ये भी हम वैसे भी पढ़ते हैं उन क्लासेस के अंदर भी। सो प्रीफिक्सेस क्या है? आप लोगों ने बच्चों प्री नाइन्थ तो सुना होगा। प्री नाइन्थ पढ़ के बहुत से बच्चे नाइन्थ में आए होंगे। इसी तरह प्री फर्स्ट ईयर, प्री इंजीनियरिंग। सो दैट मीन्स प्री का मतलब है पहले। प्री फिक्सिस वो वर्ड्स और लेटर्स हैं, वो वर्ड्स और लेटर्स हैं जो क्या करते हैं, हमेशा SI यूनिट से पहले आते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में SI यूनिट्स पढ़े थे, जो सिस्टम इंटरनेशनल ने दो तरह के यूनिट्स बताए थे वो हमने डिटेल में पढ़े थे। सो 10 की वो ताकतें, द वर्ड्स और लेटर्स जो क्या करें, SI यूनिट से पहले आए, किलो से पहले, किलोग्राम से पहले आए, मीटर से पहले आए, न्यूटन से पहले आए, ठीक है, केल्वन से पहले आए, वो वर्ड्स या लेटर्स जो यूनिट से पहले आए उन्हें क्या नाम दिया जाता है, प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस पढ़ने से पहले, आगे इनकी एग्जांपल्स देखने से पहले, हम इनका बकायदा से एक टेबल देखते हैं किन्हें प्रीफिक्सेस कहा जाता है। हर लेटर, हर वर्ड को प्रीफिक्स का नाम नहीं दिया जाता। प्रीफिक्सेस 16 है हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे लेवल तक 16 ऐसे वर्ड्स और लेटर्स हैं जो यूनिट से पहले आ जाएं तो उनकी जगह हम वो वर्ड्स और लेटर्स लिख देते हैं। प्रीफिक्सेस क्या हैं आइए देखते हैं, उनका टेबल बनाते हैं। सो दो टेबल मैं दो हिस्सों में बनाऊंगा। साइज वाइट बोर्ड का छोटा है इसलिए मैं इसको दो हिस्सों में बना रहा हूँ। सबसे पहले 10 की पावर जो पॉजिटिव है, 10 की पावर जो पॉजिटिव है। असल में प्रीफिक्सेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो साथ में बता दूं। अक्सर उकात हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स आते हैं, जो पेमाइशें आती हैं, जो आंसर्स आते हैं, वो या तो बहुत बड़े होते हैं, 2.5 लाख लिखा हुआ है, 0.00000567 लिखा हुआ है, बहुत बड़े वर्ड्स आ जाते हैं जिनमें या तो जीरो लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा हैं या तो जीरो राइट साइड पे बहुत ज़्यादा हैं। सो उनसे डील करने के लिए, उनके जीरोस को, उन नंबर्स को उस तरह लिखने की बजाय अब उन्हें हम आसान तरीके से प्रीफिक्सेस की शक्ल में लिखते हैं। उनके जीरोस को हज़फ करते हैं, उनके जीरोस को नई शक्ल दे देते हैं, उनके जीरोस को नया नाम दे देते हैं जो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। मसलन सबसे पहले जी एग्जा, स्मॉल लेटर से उसने लिखा था, हम भी एग्जा। एग्जा जाहिर किया जाता है ई के साथ, और ये 10 की ताकत 18। इसका मतलब कहीं भी आपको 10 की पावर 18, 10 की पावर 18 का मतलब है 1 के साथ 18 जीरो। किसी भी रकम के साथ 18 जीरो अगर आ रहे हों तो वहां आप क्या लिख दोगे, एग्जा। एग्जा उसके बाद अजी पीटा, पी के साथ 10 की पावर 15, जैसे 3 का टेबल होता है उस तरह से। एग्जा कैपिटल ई सिंबल है, जाहिर इससे करते हैं, ये इससे जाहिर किया जाता है। और 10 की ताकत 18, कहीं भी 10 की ताकत 18 बन रही होगी, कहीं भी 10 की ताकत 15 बन रही होगी तो आप पी लिख देंगे, 10 की 18 बन रही होगी कैपिटल ई लिख देंगे। किससे पहले, यूनिट से पहले। किससे पहले, यूनिट से पहले, क्योंकि क्या है, प्री फिक्सिस वर्ड्स आर लेटर्स एडिड बिफोर SI यूनिट्स, वो लेटर्स और वर्ड्स जो SI यूनिट से पहले दर्ज हो, और SI यूनिट्स हम पीछे पढ़ाए, उनसे पहले जो 10 की पावर्स हैं, जो नंबर्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, जो पावर्स हैं, वो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। उसके बाद जी टेरा, टेरा 10 की ताकत 12, पॉजिटिव चाहिए, 18 15 12 9। उसके बाद अजी गीगा, गीगा कैपिटल जी से 10 की ताकत 9। उसके बाद है जी मेगा कैपिटल M 10 की ताकत 6। उसके बाद है जी किलो, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्मॉल के,
उसके बाद है जी हेक्टो, टेन की पावर टू है, फिर है जी हेक्टो के बाद है, देख लेते हैं मैं भूल गया हूँ, सो डेस डेका, डेका ये लास्ट है जी, डेका, स्मॉल डी ई से डी डेका, और 10 की ताकत एक। ये थी 10 की पॉजिटिव वाली पावर्स जिन्हें ये प्रीफिक्स है, वर्ड्स और लेटर्स, वर्ड्स और लेटर्स, वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स, अभी एग्जांपल्स भी देखेंगे। अब आते हैं जी माइनस की तरफ, माइनस में चलते हैं, तो यहीं से मैं ऐसे लेके चलता हूँ इसे, 10 की ताकत 1 के बाद आ जाएगा माइनस 1, 10 की ताकत 1 के बाद क्या आ गया माइनस 1 डेसी, क्या है जी ये, सॉरी इधर लिखता हूँ डेसी, डेसी डी और 10 की ताकत मनफी 1, जहाँ भी आएगा वहाँ ये डी लिख देंगे। उसके बाद आप जानते हैं ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला सेंटी, स्मॉल सी, स्मॉल सी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है 10 की ताकत माइनस 2। उसके बाद मिली, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये भी स्मॉल एम। उसके बाद है माइक्रो, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, माइक्रो को किससे जाहिर किया जाता है जी, उसका सिंबल है, ठीक है जी, माइक्रो 10 की पावर माइनस 6। उसके बाद है जी नैनो, स्मॉल एन से 10 की पावर माइनस 9। फिर उसके बाद है माइक्रो नैनो 10 की ताकत मनफी 9 तक। उसके बाद है पीको, हाँ जी पीको, पी स्मॉल पी के साथ, स्मॉल पी के साथ 10 की ताकत मनफी 12। फिर है जी फेमटो, स्मॉल एफ के साथ 10 की ताकत मनफी 15। और लास्ट पे है जी आटो, और स्मॉल ए के साथ इसे जाहिर करते हैं 10 की ताकत मनफी 18। ये टेबल याद रखना है जो एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यू के तौर पे आता है, लिखा होगा 10 की पावर माइनस 1 किसके बराबर डेसी, या डेसी लिखा होगा और पूछा जाएगा किसके बराबर। ये टेबल है, याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा, 10 की पावर 6 से ऊपर की तरफ जाएँ, 9 12 15 18 मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा ए ए ए आपको नज़र आएगी, ठीक है, मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा। उसके बाद ये किलो हेक्टो सिर्फ वो दो हैं जिन ओ ओ एंड ख़त्म हो रहे हैं, इसी तरह डेका है लास्ट वाला। इधर आइए 10 की ताकत 6 से पीको, पीको आ गया, सॉरी यहाँ से माइक्रो 6 से 10, माइक्रो नैनो पीको फेमटो आटो सबके एंड पे ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, उनके एंड पे ए आ रहा था। इस तरह से ये कितने 16 बनते हैं जिनका एक टेबल है जो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा किन से पहले आते हैं, यूनिट से पहले आते हैं। और कब इनकी ज़रूरत पड़ती है, जब नंबर बहुत बड़ा है। आइए मिसाल से देखते हैं, ये हम यूज़ भी करेंगे, इस्तेमाल भी करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए बेटे आपके पास, और ज़्यादातर इस्तेमाल में मिली है, किलो है, माइक्रो है, नैनो है, मेगा है, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, ज़्यादातर यूज़ में आने वाले प्रीफिक्सेस के नाम लिखे, तो ये 4-5 आप लिख देंगे, मिली किलो नैनो मेगा, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, ये ज़्यादातर सेंटी भी ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले। फ़र्ज़ कीजिए मैं मिसाल लेता हूँ, दिया गया है 20,000 ग्राम, ये यूनिट है, ग्राम यूनिट है मैस का, कहता है इसे प्रीफिक्सेस की शक्ल में लिखिए। दो तरीकों से करूँगा, दो मेथड से जो आसान लगे। पहला ये है कि अगर बेटे मुझे कितने ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, लेकिन 4 ज़ीरो वाला प्रीफिक्स तो मैंने नहीं पढ़ा, कहीं 10 की ताकत 4 वाला प्रीफिक्स पढ़ा हो, नहीं पढ़ा मैंने, तो 3 वाला 6 वाला 9 वाला 12 वाला 2 वाला पढ़ा। अच्छा, इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1000 से तकसीम कर दूँ और 1000 से क्या कर दूँ मल्टीप्लाई, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, कटेगा फिर वही आ जाएगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 कट गए, क्या पीछे बचा 20, और ये क्या
10 की ताकत क्या बन गया 3, और अभी हमने टेबल में क्या पढ़ा था 10 की ताकत 3, जहाँ भी आएगी 10 की ताकत 3 आएगी उसकी जगह कौन सा प्रीफिक्स यूनिट से पहले क्या आ जाएगा, यूनिट से पहले क्या आ जाएगा, यूनिट से पहले प्रीफिक्स आ जाएगा, और हम जानते हैं 10 की ताकत 3 स्मॉल के किलो के लिए ये बन गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, वो भी आसान है, वो क्या है, अभी आपको इशारिया कहाँ नज़र आ रहा है, जिस रकम में इशारिया नज़र आ रहा है उसका इशारिया एंड पे होता है, ये है कहीं, मुझे 10 की ताकत 3 चाहिए या 6 चाहिए या 9 चाहिए, क्योंकि उनके प्रीफिक्स हैं, इसके अलावा 4, 5, 7 होगा वो मेरे काम का नहीं है, 2 वाला भी बना सकता हूँ लेकिन ज़्यादातर 3 वाला इस्तेमाल होता है, इसलिए 3 वाला, 1 कदम 2 कदम 3 कदम अगर मैं चलूँ 20 बच जाए, 1 कदम 2 कदम 3 कदम किस तरफ चलाऊं, दाईं जानिब से बाईं जानिब, तो 10 की ताकत क्या बन जाएगा 3, और 3 किसका प्रीफिक्स है, किलो का, ये है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आ गया यूनिट से पहले, यूनिट से पहले वो वर्ड्स और लेटर्स, वो वर्ड्स और लेटर जो यूनिट से पहले आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रीफिक्सेस कहा जाता है, ये इसकी मिसाल। आइए और मिसालें भी देखते हैं। इसके अलावा राइट साइड पर टेबल एक बना होगा जिसमें बताया होगा लेंथ की, मुख्तलिफ लेंथ की प्रीफिक्सेस क्या हैं, 1 किलो है, 1 किलोमीटर लिखा होगा तो वो 10 की पावर 3 मीटर, 1 सेंटीमीटर लिखा होगा 10 की पावर -2 मीटर, 1 मिलीमीटर लिखा होगा 10 की पावर -3 मीटर, इस तरह से वो किसके हैं जी, लंबाई के प्रीफिक्सेस दिखाए गए, वो MCQ के लिए आप ज़रूर याद कीजिए। मिसालें हम देखें, हम ये प्रीफिक्सेस का टॉपिक पढ़ते हैं। फ़र्ज़ कीजिए जी, पहली मिसाल है 200, और आगे कितने, 1, 2, 3 ये दिया गया है। कहा जाता है कि यूनिट से पहले क्या ज़ाहिर करें जी, प्रीफिक्सेस ज़ाहिर है कि यूनिट्स के पहले प्रीफिक्सेस ज़ाहिर कीजिए। मीटर भी यूनिट है, पर सेकंड भी यूनिट है, हमें प्रीफिक्सेस प्रीफिक्स लेके आना है, एक ही आएगा, मल्टीपल आ नहीं सकते, 2 प्रीफिक्स आ नहीं सकते, सेंटी सेंटी नहीं आ सकता, सेंटी मिली नहीं आ सकता, इस तरह से एक ही प्रीफिक्स आएगा। कैसे जी, अभी हमें राइट साइड पे कितने ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ज़ीरोज़ हमें राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं। हमारे पास 5, 10 की ताकत 5 अगर बना भी लें तो 5 वाला प्रीफिक्स नहीं है, हमारे पास या तो 3 वाला है, या 2 वाला है, या 6 वाला है, या 9 वाला है, तो हमारे लिए बेहतर ये है कि हम क्या करें, इसे ऐसे लिख लें, 0 क्या जी, इशारिया यहाँ पे है, नज़र नहीं जिसका है, एंड पे है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप चलें तो बाकी क्या बचेगा, 200, और 10 की पावर कितनी बन जाएगा, 1, 2, 3, राइट से लेफ्ट चलें तो पावर पॉजिटिव होती है, मीटर पर सेकंड, तो ये 10 की ताकत 3 हम जानते हैं, टेबल से हमें पढ़ा भी है, किलो 10 की ताकत 3, यूनिट से पहले किलो आ जाएगा प्रीफिक्स, और साथ यूनिट वैसे का वैसा, किलोमीटर पर सेकेंड। इसका एक और तरीका भी है, वो भी मैं करवा देता हूँ, ताकि बिल्कुल यही आंसर नहीं, इसके अलावा भी आंसर आ सकता है। मसलन मैं बजाए के यहाँ रुकने के 1, 2, 3 स्टेप रुकने के 4, 5, 6 स्टेप चलता तो क्या आना था आंसर, यही मैं फिर दोबारा लिखता हूँ, इसी का आंसर फिर क्या आना था, अगर मैं 6 स्टेप चलता तो 0.2, 2 के पहले आ जाना था इशारिया, और 10 की ताकत कितनी बन जानी थी, 6, यूनिट वैसे का वैसा, 6 का भी प्रीफिक्स आप जानते हैं, मेगा 0.2 मेगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसलिए किलो में ही बनाया। हाँ ये भी सकता है, ये भी आंसर ठीक है, 10 की ताकत कोई भी बना लीजिए 3, 6, 9 उन टेबल्स के अंदर से, तो आप आंसर लिख सकते हैं, ये दोनों ठीक है। इसके अलावा दूसरी मिसाल देखते हैं जी, एग्जाम्पल लिखता है 4800000 वाट, प्रीफिक्सेस की शक्ल में, वाट इज़ अ यूनिट, यूनिट से पहले क्या लेके आइए, प्रीफिक्सेस लेके आइए या प्रीफिक्स लेके आइए, कितने जीरो, 1, 2, 3, पहले तो मैं आसानी से कौन सा प्रीफिक्स बना लेता हूँ, 3 वाला बना लूँगा, 3 वाला कैसे बनाऊँगा, कैसे बनाऊँगा, यहाँ से 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यहाँ इशारिया आ गया, अगले ज़ीरो ख़त्म हो गए तो क्या बचा पीछे, इशारिया राइट साइड पर नहीं लिखा जाता, तो 10 की ताकत कितना आ गया 3, इशारिया यहाँ आ गया ना, तो ज़ीरो की वैल्यू ख़त्म हो गई, अब पीछे ये बचा क्या आ जाएगा, 4800 किलोवाट। अब इसकी बजाय अगर मैं इसी को दोबारा करूँ, ये एक तरीका कर था, दूसरा मेथड ये था क्या जी, मैं वहाँ ना रुकता, यहाँ इशारिया था 1, 2, 3, 4, 5, 6,
चार छड़ी आठ, जरब दस की तक का छः, छः कदम चला था, दस की तक का छः बन गई, चला भी दाई से, दाई साइड से बाई साइड, ताकत पॉजिटिव आएगी। और ये भी जानते हैं आप तो आंसर क्या आ जाएगा, ये भी आंसर है दुरुस्त है, और ये भी आ जाएगा मेगा वाट। दोनों आंसर दुरुस्त हैं। यूनिट से पहले प्रीफिक्स, यूनिट से पहले प्रीफिक्स आ गया, दस की ताकतें हमने लिख दी, किससे, वर्ड से या लेटर से, वर्ड से या लेटर से। एक और मिसाल नेक्स्ट है जी, थ्री थ्री, जीरोस कितने हैं, दो, आठ जीरो, एक दो तीन, एक दो तीन, और यूनिट है हर्ट्स। हर्ट्स किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का, पढ़ेंगे टेंथ क्लास में। अच्छा जी, अब ज़रा देखिए, एक तरीकाकार तो ये है कि तीन वाला बना लूँ, फिर भी ज़ीरो बचेंगे, मुनासिब नहीं लगता। तीन की बजाय एक दो तीन चार पाँच छः वाला बना लेता हूँ। पहले तो मैं जी छः वाला बना लेता हूँ, ज़रब दस की ताकत छः हर्ट्स, तो छः का मतलब दस की ताकत, छः का मतलब क्या है, मेगा हर्ट्स। यूनिट वैसे का वैसा, ये पूरा यूनिट है और ये साथ प्रीफिक्स है। दूसरा तरीकाकार ये था, इसी को मैं यहाँ करता हूँ। दूसरा तरीकाकार था एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यहाँ जाके रुकता, तीन छिया तीन, राइट साइड वाले ज़ीरो ख़त्म, दस की ताकत नौ हर्ट्स। और जानते हैं आप दस की ताकत नौ का मतलब क्या है, गीगा। और यूनिट वैसे का है, ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, दोनों तरीकों से कर सकते, दोनों ही जवाब दुरुस्त हैं। अगली एग्जांपल देखिए जी, लिखता है, अब ये तो थी कहानी जब जीरोस राइट साइड पे थे, जीरोस राइट साइड पे, जीरोस राइट साइड पे कर करके आए। अब अगर जीरोस लेफ्ट साइड पे हो, बहुत बड़ा नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर था, मैंने प्रीफिक्स से देखिए कितना छोटा कर दिया। प्रीफिक्स का ये फ़ायदा है कि नंबर छोटा लगना शुरू हो जाता है, नंबर लिखने में पढ़ने में छोटा पड़ा जाता है, वरना जीरोस पढ़ने पड़ते। अच्छा जी, नंबर है जी चौथी एग्जांपल, ज़ीरो इशारिया ज़ीरो 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 टू ग्राम। अब देखिए बाईं जानब ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, कितने कदम चलूँ, एक दो तीन, दो भी चल सकता हूँ, लेकिन दो वाला मैंने आपसे कहा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, एक दो तीन चार, पहले तो तीन कदम चलता हूँ, एक दो तीन, तो क्या बन जाएगा, इशारिया एक दो तीन, यहाँ आ जाएगा इशारिया ज़ीरो टू, ज़रब दस की ताकत। अब ज़रा देखिए बाईं से, बाईं साइड से किस तरफ जा रहा हूँ, दाईं, तो बाईं जानिब से जब दाईं जानिब जाएंगे ताकत क्या होगी, माइनस। तो बेटे माइनस में टेन की पावर माइनस आप जानते हैं किसके पावर है, मिली, तो ज़ीरो इशारिया ज़ीरो दो मिलीग्राम। एक तो जवाब ये दुरुस्त है, दूसरा देखिए इसी को एक और तरीके से, क्या बजाय के तीन पे रुकने के, एक दो तीन पे रुकने के आगे चलिए चार पाँच, एक और ज़ीरो लगा लूँ, एक और ज़ीरो लगा लूँ, तो क्या बन जाएगा, ट्वेंटी ट्वेंटी, और दस की ताकत मनफी छः ग्राम, क्या बन जाएगा, ट्वेंटी दस की ताकत छः किसके बराबर है, माइक्रोग्राम। इसको मैं एक और तरीके से भी करता, जैसे पहले भी बताया था वैसे कर लें, इशारिया ख़त्म करें इसका, जिस यहाँ इशारिया ख़त्म, वन एक दो तीन चार पाँच, पाँच वाला तो कोई प्रीफिक्स नहीं, यहाँ एक ज़ीरो लगाओ और यहाँ ज़ीरो उतार लो, छः, अब इशारिया यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, तो क्या बन गया, ट्वेंटी पॉइंट ज़ीरो ग्राम, और नीचे दस की ताकत छः, जब दस की ताकत छः को नीचे से उठा के ऊपर लाएंगे, माइनस छः, माइनस छः का मतलब माइक्रो, ऐसे समझ लीजिए, ये जो था ऐसे हो। ये था जी यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस, किसमें, ऐसे यूनिट से पहले, देखिए कितना बड़ा डिजिट लग रहा था, पढ़ने में मुश्किल थी, हमने कैसे लिख दिया 20 माइक्रोग्राम, ऐसे लिख दिया 0.02 मिलीग्राम। तो प्रीफिक्सेस का ये फ़ायदा है, वर्ड्स का ये फ़ायदा है, वर्ड्स का ये फ़ायदा है, जो किससे पहले आते हैं, ऐसे यूनिट से पहले आते हैं। लास्ट पे है जी एक और एग्जांपल, लास्ट पे बहुत सी और मिसालें भी दी जा सकती हैं, लेकिन इतनी मिसालों से आपको समझ आनी चाहिए, तीन चार पाँच छः और सात आठ 81 मीटर लेंथ दी हुई। कहता है प्रीफिक्स लाएं, यूनिट से पहले प्रीफिक्स लाएं। एक तो था तीन स्टेप से चल जाऊं, लेकिन फिर भी ज़ीरो बचेंगे, इसलिए तीन वाला मुनासिब नहीं है, छः वाला कर लो, छः वाला, छः के बाद भी ज़ीरो बच जाएंगे, इसलिए एक दो तीन चार पाँच छः, फिर भी ज़ीरो बच गए, सात आठ नौ, नौ वाला मुनासिब है, क्योंकि ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे, ज़ीरो से जान छूट जाएगी, तो किधर से किधर जा रहे हैं, बाएं से दाएं जाने, तो 10 की ताकत माइनस नौ चले थे, 8.1, 10 की ताकत माइनस नौ किसके बराबर है, नैनोमीटर, ये आंसर आ गया।
ठीक है, सिक्स वाला चलता तो ये आना था, अगर सिक्स वाले से चलूँ तो तीन और तीन छः, पीछे क्या बचा इशारिया 0081, तो ये क्या, और दस की ताकत कितनी होनी थी, माइनस छः कदम, तो क्या आ गया इशारिया 0081, ये क्या आना था, माइक्रोमीटर। ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, ये लीजिए। ये तो तरीका है जिससे हम नंबर्स को, बहुत बड़े नंबर्स को, जीरोस को, या लेफ्ट साइड पे हों या राइट साइड पे हों, हम पावर्स बनाते हैं। और पावर बनाने पे जब पावर तीन बन जाए दस की, दस की छः बन जाए, दस की नौ बन जाए, दस की बारह बन जाए, दस की मनफी तीन, मनफी दो, मनफी एक, मनफी छः, मनफी नौ, मनफी बारह, तो उन्हें वर्ड्स या लेटर्स के नाम दे देते हैं, वर्ड्स या लेटर्स के नाम दे देते हैं। इस अमल को क्या कहा जाता है, प्रीफिक्सेस। वो वर्ड्स या लेटर्स जो यूनिट से क्या आएँ, पहले आएँ, वो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस लेक्चर की भी समझ आई होगी। मज़ीद कुछ जानने के लिए कमेंट्स के अंदर आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ में कमी महसूस होती है, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो ज़रूर अपनी आरा से आगाह करें, और मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारे वीडियोज़ को शेयर भी करें, और देखना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।